चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। Realme X3 और X3 Super Zoom काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स हैं Realme के, और अब जो है ना इनको Realme UI 2.0 की अपडेट मिलने वाली है, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में ये वीडियो है। तो इट्स इंफॉर्मेटिव, क्वालिटी कम है क्योंकि मेरे पास PC वीसी ये लैपटॉप का सीन नहीं है, तो जैसे ही वो आएगा तो क्वालिटी धमाकेदार हो जाएगी। तो रियल मी ने जो है वो एंड्रॉयड 9 और एंड्रॉयड 10 पे जो है ना ये फ़ोन्स लाए थे, रियल मी X3 और X3 सुपर जूम। प्रीवियसली इसको एंड्रॉयड 10 की अपडेट मिल चुकी है लास्ट ईयर, और अब जो है ना इसको एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिल रही है। और इनके लिए आपको पहले जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि क्या ये स्टेबल वर्जन है, इनमें कोई बग्स वगैरह तो नहीं है। तो अगर आप टेस्ट करना चाहो तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स मिल रहे होंगे। अपडेट योर रियल मी X3 सुपर जूम टू द रिक्वायर्ड वर्जन ऑफ रियल मी UI, और यहाँ पे जो है ना आपको नेविगेट करना है सेटिंग्स में जाके, सॉफ्टवेयर अपडेट और सेटिंग्स, और यहाँ पे जो है ना आपको सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स में दिखा देता हूँ। सेटिंग को दबाना है, उसके बाद ऑटो अपडेट और फिर रियल मी UI, और उसके बाद आपको जो है ना पूरा अपडेट कर देना है। अब ये जो ट्रायल वर्जन है ये जो है ना आप चेक कर सकते हो कोई बग्स वगैरह तो नहीं है, तो ये जो है ना इसीलिए करते हैं जैसे अपडेट ये जो पुश करते हैं उनमें कोई इश्यूज़ हों तो वो जो है ना फिक्स करके उसके बाद दोबारा अपडेट भेजेंगे, और अगर सब चीज़ फिक्स चल रही है तो जो है ना ये बाकी कंट्रीज़ में अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। आपको ये अपडेट मिली या नहीं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और X3 और X3 सुपर जूम को एंड्रॉयड 12 की अपडेट भी मिलती रहेगी, ऐसा रियलमी का कहना है। तो देखते हैं अपडेट मिलती है या नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।